भू संसाधन और कृषि के बारे में बात करते हैं। भू संसाधन और कृषि, जैसे कि हमारे चारों ओर भूमि के कई उपयोग हमने देखे हैं। पृथ्वी के कुछ भाग पर नदियां हैं, कुछ भाग पर वृक्ष हैं, तो कुछ पर सड़कें हैं, कुछ पर इमारतें हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोगी है। इस प्रकार मनुष्य भूमि का उत्पादन, रहने और नाना प्रकार के मनोरंजन कार्यों के लिए हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। जैसे स्कूल की इमारत, सड़कें जिन पर हम यात्रा करते हैं, क्रीड़ा उद्यान जहाँ हम खेलते हैं, खेत जिन पर हम फसलें उगाते हैं, चरागाह जहाँ पशु चराते हैं, ये भूमि के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। भू उपयोग का हम वर्गीकरण की बात करें तो भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है और भू उपयोग संवर्गों का कुल प्रतिवेदन रिपोर्टिंग के क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। भारत का प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का अस्तित्व या देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। तो यहाँ पर सभी कभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों का हम प्रयोग करते हैं। भू राजस्व सर्वेक्षण विभाग दोनों में भू राजस्व और सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व के द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है, यह स्थायी है। आप भू उपयोग वर्गीकरण के विषय से हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे भू राजस्व अभिलेख के द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण क्या है? वनों के अधीन क्षेत्र, यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र या वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहाँ वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेख में इसी परिभाषा को हम अपनाते हैं। इस प्रकार संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जहाँ वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, इस संवर्ग में बस्तियां, ग्रामीण व शहरी अवसंरचना, सड़कें, नहरें आदि, उद्योग, दुकानें आदि ऐसे भू उपयोग सम्मिलित हैं जो द्वितीयक या तृतीयक कार्य कलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भू उपयोग में वृद्धि होती है। बंजर व व्यर्थ भूमि के बारे में बात करें, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल और खंड आदि को कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। स्थायी चरागाह क्षेत्र क्या होता है? स्थायी चरागाह क्षेत्र, इस प्रकार की अधिकृत भूमि पर गांव, पंचायत, सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्थायित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। फिर है विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिन पर उद्यान, फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की अधिकृत भूमि व्यक्तियों की निजी स्वामित्व में होती है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। कृषि उद्धार तकनीक के द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाता है। वर्तमान पड़ती भूमि का, वर्तमान पड़ती भूमि में वह भूमि जो कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान पड़ती भूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का पड़ती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरकता और पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। पुरातन पड़ती भूमि, यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष में अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय का कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। निवल बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में हम देखें भू उपयोग परिवर्तन के लिए, किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि भी सड़क समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बस बहु बहुत से संसाधनों की बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाली अर्थव्यवस्था में 3 परिवर्तनों को समझना चाहिए। पहला, अर्थव्यवस्था का आकार, जिसे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा सकता है, समय के साथ बदलता है। जो बढ़ती जनसंख्या, बदले आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी
और इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है, सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव। दूसरे शब्दों में द्वितीयक या तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टरों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गृह कृषि संबंधी कार्यों में यहाँ पर उपयोग में लाई जा रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार के परिवर्तन शहरों की तरफ चारों तरफ अधिक तीव्र है। यहाँ कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरी, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम होता है। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण प्राय विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर करती होती है प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे भारत के भू उपयोग संवर्गों के अनुपात में परिवर्तन है 1960-61 से ये परिवर्तन आया है 2008-09 तक। क्या परिवर्तन आया है? जैसे वन के मामले में भूमि देखे, वन के मामले में भूरी भूमि है 23% और 18%, यानी कि 1960-61 में 18% थी और 2008-09 में 23% हो गई, यानी वन का क्षेत्र बढ़ा है। फिर हम देखें जैसे गैर कृषि योग्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत भी यहाँ पर बढ़ा है, 5% से 9% हो गया है। तीसरा हम देखें बंजर और व्यर्थ भूमि के मामले में, बंजर और व्यर्थ भूमि यहाँ पर घटी है, 1960-61 से 12% थी, अभी 6% हो गई है। फिर बात करें हम स्थायी चरागाह वाले फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र की, तो ये 6 से 4 हो गया है। कृषि योग्य कृषि व्यर्थ भूमि की बात करें तो ये भी 6 से 4 हो गया है, यानी कम हो गया कृषि योग्य कृषि व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रति भूमि है, ये भी कम हुई है। वर्तमान प्रति भूमि है ये बड़ी है थोड़ी सी, और निवल बोया गया क्षेत्र है ये 45 से 46 हुआ है यहाँ पर। तो पिछले 4 या 5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं। इनमें देश के भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। वर्ष 1960-61 तथा 2008-09 के दौरान हुए इन परिवर्तनों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो चित्र है उसमें रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंकलित किया गया है। दूसरा चित्र है रिपोर्टिंग क्षेत्र में कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत स्थायी है, अतः एक संवर्ग में कमी प्राय दूसरे संवर्ग में वृद्धि दिखाती है। तो यहाँ पर 4 संवर्गों में वृद्धि व 4 संवर्गों के अनुपात में कमी बताई गई है। वन क्षेत्रों गृह कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वर्तमान प्रति निवल बोया गया क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं? गृह कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है, जिसकी निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टर व अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त गाँवों और शहरों में बस्तियों के अतिरिक्त क्षेत्रफल में विस्तार से भी इसमें वृद्धि है, अतः गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि या कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। जैसा कि यहाँ पर पहले बताया गया है कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई है, न कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण। वर्तमान प्रति भूमि में वृद्धि को 2 कारणों से समझा जा सकता है। वर्तमान प्रति क्षेत्र में समय अनुसार काफी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जो वर्षा की अनियमितता और फसल चक्र पर निर्भर है। कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान घटना है। इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से कमी दर्ज की जा रही थी। ऐसे संकेत हैं कि निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनता का कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि थी। अनेक गाँव और शहर में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते भवन निर्माण कार्यों के विषय में हम देख सकते हैं। वे 4 उपयोग संवर्ग जिसमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है, बंजर व्यर्थ भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि चरागाहों तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र और पड़ती भूमि, इनके घटते क्रम की व्याख्या को हम देख सकते हैं। जैसे समय के साथ जैसे कृषि और गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव पड़ा है, वैसे वैसे व्यर्थ और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समय अनुसार कमी इसकी साक्षी है। चरागाह भूमि में कमी का कारण कृषि
भूमि पर बढ़ता दबाव है। सांझी चरागाह पर गैर कानूनी तरीकों से कृषि विस्तार ही उसकी न्यूनता का मुख्य कारण है। यहाँ पर वास्तविक वृद्धि की गणना के लिए दो समय कालों में भू उपयोग संवर्गों को अंतर निकाल सकते हैं। वृद्धि दर की गणना हेतु सामान्य वृद्धि दर और शेष वर्षों के आंकड़ों का अंतर निकालकर उसे आधार वर्ष यानी कि 1960-61 के आंकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन क्या है? भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा गया है, निजी भू संपत्ति, साझा संपत्ति संसाधन। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व, कुछ व्यक्तियों को सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। दूसरे वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती हैं। साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, साथ ही वन्य उत्पादन जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन, छोटे कृषक एवं अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर है। महिलाओं के लिए भी इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इन भूमियों में कमी से उन्हें चारे और ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है। साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, जहाँ सभी सदस्यों को उनके उपयोग का अधिकार है और किसी विशेष के संपत्ति अधिकार न होकर सभी सदस्यों को कुछ विशेष कर्तव्य भी हैं। सामुदायिक वन, चरागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र एवं अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधनों के ऐसे उदाहरण हैं जिनका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है और यही उनके प्रबंधन के दायित्वों का निर्वहन करती है। भारत में कृषि भू उपयोग, भू संसाधनों का महत्व इन उन क्षेत्रों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतः भूमि पर आधारित है। अन्य शब्दों में हम कहें कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहां की गरीबी से संबंधित है। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है। प्राकृतिक आपदाओं और निजी विपत्तियों में एक सुरक्षा की भांति है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। समस्त कृषि भूमि संसाधन का अनुमान अर्थात समस्त कृषि योग्य भूमि निवल बोया गया क्षेत्र सभी प्रकार की पड़ती भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के योग से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पिछले वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि का प्रतिशत कम हुआ है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में कमी के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना सीमित है, अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक है। और यह यहाँ पर यह प्रौद्योगिकी दो भागों में बांटी जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि 1960-61 में कृषि योग्य बंजर भूमि है 6.23% थी, 8-9 में 4.17% होगी रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत है। और समस्त कृषि क्षेत्र का प्रतिशत देखें हम तो ये घटा है, 1960-61 में 10.61 था जबकि 8-9 के अंदर 7.16 ही रह गया है। फिर हम देखें जैसे कि पुरातन बढ़ती भूमि है 3.6% थी 2008-09 में 3.37% हो गई, और समस्त कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है प्रति भूमि का 5.96 था 5.75 हो गया, यानी ये भी कम हो गया है। तो प्रौद्योगिकी दो भागों में यहाँ पर बांटती है। पहली वह जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाए, तथा दूसरी वह प्रौद्योगिकी जो कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाए। दूसरी प्रौद्योगिकी का लाभ यह है कि इसमें सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन बढ़ने के साथ श्रमिकों की मांग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है। भारत जैसे देश में भूमि की कमी और श्रम की अधिकता ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में फसल सघनता की आवश्यकता केवल भू उपयोग हेतु वांछित है। तो यहाँ पर अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्या को भी कम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर फसल गहनता की गणना किस तरीके से जा रही है? कृषि गहनता मतलब कि सकल बोया गया क्षेत्र डिवाइड बाई निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100, तो वो होता है हमारा कृषि गहनता। अब बात करें हम फसलों की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है, तो
फसलों की कृषि है यहाँ पर सिंचित भूमि पर की जाती है। यद्यपि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतु में देश के दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती, यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्ण कटिबंधीय फसल की बुवाई में सहायक होता है। इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए देश के इस भाग में जहाँ भी अपर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक कृषि वर्ष में एक ही फसल 3 बार उगाई जाती है। कृषि के प्रकार की हम बात करें, आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि, वर्षा निर्भर यानी बारानी कृषि में वर्गीकृत किया गया है। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि, उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों के नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी देना होता है। पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। वर्षा निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर 2 वर्गों में शुष्क कृषि, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि में बांटी गई जाती है। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा है 75 सेंटीमीटर से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार आदि उगाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण, वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। आदि कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधे की जरूरत से अधिक होता है। ये प्रदेश बाढ़, मृदा अपरदन का सामना करते हैं और इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना तथा ताजे पानी की जलकृषि भी यहाँ पर की जाती है। फिर खाद्यान्न की फसलें, खाद्यान्न की फसलों में बात करें, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न की महत्ता को इस तथ्य से मापा जाता है कि देश के समस्त बोई क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं। भले ही वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो, अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज और दालों में वर्गीकृत किया गया है। अनाज के बारे में हम बात करें, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें उत्तम अनाज यानी चावल, गेहूं, मोटे अनाज यानी ज्वार और बाजरा, मक्का, रागी आदि में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य अनाजें हम बात करें, मुख्य अनाजों का विवरण इस तरीके से है, जैसे चावल है। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। यद्यपि यह उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, इसकी 3,000 से अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि ये कृषि ऋतु के अकॉर्डिंग प्रमुख फसलें हैं, जैसे कि खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जून से सितंबर में बोई जाती है, तो जून से सितंबर में बोली जाती है और उत्तरी भारत राज्य में बोई जाती है खरीफ की फसल, जैसे कि चावल है, कपास है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, अरहर है। दक्षिणी राज्य की फसल है, जैसे कि चावल है, मक्का है, रागी है, ज्वार है, मूंगफली है। फिर रबी की फसल, रबी की फसल है अक्टूबर से मार्च में बोई जाती है रबी की फसल। रबी की फसल में क्या आ जाएगा, जैसे कि गेहूं आ जाएगा, गेहूं, चना, तोरई, ये रबी की फसल में आ जाएगा, गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ। जबकि दक्षिणी राज्य में जो बोई जाती है वो बोया जाता है यहाँ पर चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। फिर जायद की फसलों हम देखें, जायद की फसलों में अप्रैल से जून के बीच में वनस्पति, सब्जियां, फल और चारा फसलें बोली जाती हैं। चारा फसलें जायद की फसलों में अप्रैल से जून के बीच में, जबकि दक्षिणी राज्य में क्या बोली जाती है, ये बोई जाती हैं चावल, सब्जियां और चारा फसलें यहाँ पर दक्षिणी राज्यों में बोई जाती हैं। तो यहाँ पर इनकी जो कृषि समुद्र तल से 2,000 मीटर तक की ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर के उत्तरी पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। दक्षिणी राज्य और पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल को 2 या 3 बार फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं, जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहा जाता है, परंतु हिमालय और देश के उत्तर पश्चिमी भागों में
यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है 2011 के अनुसार। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। वर्ष 2009 और 10 में देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश थे। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों में अधिक है। इनमें से पहले 4 राज्यों में लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है। पंजाब व हरियाणा पारस्परिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 से प्रारंभ की गई और उत्तर के बीजों की अपेक्षाकृत अधिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग एवं यहाँ पर शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधकता आदि कारक इस प्रदेश में चावल की अधिक पैदावार के लिए उत्तरदायी हैं। इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। जैसे हम यहाँ पर बात करें पैदावार के अकॉर्डिंग, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं और गौण क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख क्षेत्र जो गहरा गहरा दिख रहा है, जैसे कि ये प्रमुख क्षेत्र है केरल वाला, ये प्रमुख क्षेत्र है गोवा वाला प्रमुख क्षेत्र है, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश वाला प्रमुख क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी प्रमुख सिंचित क्षेत्र हैं। गौण क्षेत्र जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ऐसे गौण क्षेत्र में आएंगे। तो गेहूं के बारे में हम बात करें, गेहूं भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है और भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध फसल है, अतः इसे शरद या रवि ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मैदान भाग तक केंद्रित है। उत्तरी मैदान, बंगंगा का मैदान, मालवा पठार, हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र है। रवि फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में और मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र में यह वर्षा पर निर्भर फसल है। देश के कुल बोए क्षेत्र में लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता है 4000 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर से अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार के प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर की है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि कार्य है कृषि वर्षा आधारित है और उत्पादकता यहाँ पर कम है। ज्वार के बारे में बात करें हम, देश के कुल बोए क्षेत्र में 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इसमें ज्वार प्रमुख है, जो कुल बोए गए क्षेत्र में 5.3% भाग पर बोया जाता है। दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश के आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। दक्षिणी राज्यों में यह खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। फिर बात करें बाजरे की, भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में गर्म एवं शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र की शुष्क दौर और सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल और मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। फसल देश के कुल बोए गए भाग में बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा है। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव है। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल में पैदावार में वृद्धि हुई है। मक्का के बारे में हम बात करें, मक्का एक खाद एवं चारा फसल है जो कि निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग पर बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है।
मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान व उत्तर प्रदेश हैं। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की ओर कम है। फिर दालों की बात करें, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संघटक हैं। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाती हैं। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है और विश्व की लगभग 20% दालें उत्पन्न करता है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों और उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है। इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना और अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। चना के बारे में बात करें, चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को हम क्या करते हैं? सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा को केवल एक या दो हल्की बौछारें या एक दो बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने के फसल क्षेत्रों में कमी आई है। इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाती है। अब देश के कुल बोए क्षेत्र के केवल 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान भी है। इनकी उत्पादकता कम है और सिंचित क्षेत्रों में इनकी उत्पादकता में एक से वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है। अरहर के बारे में बात करें, यह देश की प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना या पिंजन पी के नाम से जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थिति तथा सीमांत भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम और अनियमित है। फिर तिलहन के बारे में बात करें, खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों में, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्रों में। देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। भारत की प्रमुख फसल तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी सम्मिलित हैं। मूंगफली की हम बात करें, भारत विश्व में 18.2% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित क्या है, खेती है। वर्षा आधारित फसल है, खरीफ की फसल है, परंतु दक्षिणी भारत में रवि ऋतु में ये बोई जाती है। और देश के शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर फैली हुई है। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तमिलनाडु में यहाँ जहाँ भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है वहां इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। फिर तोरिया और सरसों से पहले हम देखते हैं ये मैप। जैसे यहाँ पर हम देखें, प्रमुख क्षेत्र है जहां पर ये बोई जाती है, जैसे कि ये प्रमुख क्षेत्र है दाल जहां पर बोई जाती है, और जैसे राजस्थान में कम बोई जाती है। नीचे यहाँ पर देखें, केरल, दक्षिणी भारत की साइड भी यहाँ पर गेहूं का विवरण बताया गया है। गेहूं दक्षिणी भारत में कम बोया जाता है, उत्तर भारत में ज्यादा बोया जाता है। इस एरिया में गेहूं है ज्यादा मात्रा में बोया जाता है। इस एरियल एरिया इसमें थोड़ा कम मात्रा में बोया जाता है। अब तोरिया और सरसों हम देखेंगे।
तो यहाँ पर हम तोरिया और सरसों की बात करें, जैसे कि तोरिया और सरसों में क्या होता है, तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे कि राई, सरसों, तोरिया, तारामीर आदि। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं, भारत के मध्य और उत्तरी पश्चिमी भाग में रबी में बोई जाती हैं। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती, इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव है, परंतु सिंचाई के प्रसार और बीज सुधारक प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग दो तिहाई भाग सिंचित है। तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र के केवल 2.5% भाग पर बोए जाते हैं। इनके उत्पादन का एक तिहाई भाग राजस्थान से आता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, और इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादक हरियाणा और पंजाब में अपेक्षाकृत ज्यादा है। अन्य तिलहन के बारे में बात करें, सोयाबीन और सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर के देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल का सांद्रण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। देश के उत्तरी भागों में यहाँ पर हम देखें, जैसे अमरावती महाराष्ट्र में सोयाबीन का बीजारोपण करते हुए कुछ कृषक दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे जूट और कपास के बारे में बात करें, जूट कहाँ पर बोई जाती है भारत में और कपास कहाँ पर बोई जाती है। तो जूट का ये क्षेत्र है, जैसे कि हम जूट के बारे में बात करें, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, इधर थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी मान सकते हैं, यहाँ पर असम की साइड मान सकते हैं। जूट यहाँ पर भी बोई जाती है, जूट राजस्थान से ऊपर हरियाणा वाले क्षेत्र में बोई जाती है यहाँ पर। फिर बात करें कपास की खेती, जैसे ये कपास की खेती है, यहाँ पर भी हरियाणा के आसपास वाला एरिया है, कपास बोई जाती है यहाँ पर। यहाँ पर भी ये गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाले एरिया में कपास बोई जाती है, कर्नाटक है। नीचे भी हम देखें केरल की साइड है, ये कपास बोई जाती है। तो जैसे भारत के कपास और जूट का वितरण दिखाया गया है। फिर सिंचित क्षेत्रों में इनका उत्पादन अधिक है, जो ये फसलें हैं यहाँ पर, जैसे कि सोयाबीन है, 90% पैदा करते हैं दोनों राज्य मिलकर के। कौन कौन से राज्य हैं? और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों राज्य मिलकर देश का 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। और सूरजमुखी फसल का सांद्रण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। देश के उत्तरी भागों में एक गौण फसल है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इसका अधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। रेशेदार फसलें हम देखें, ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य प्रकार के सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। कपास व जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास के बारे में बात करें, कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है और जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई, भारत छोटे रेशे वाली व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित तो होना चाहिए। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में 3 अमेरिका और पाकिस्तान के पश्चात चौथा स्थान है। यह विश्व के समस्त कपास उत्पादन का 8.3% भाग का उत्पादन करता है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र में लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास का बीजारोपण किया जाता है। और कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे कि है कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र, और दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित हैं। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये कपास के अग्रिम उत्पादक राज्य हैं, यानी कपास के उत्पादन में इनकी भूमिका अच्छी है।
देश के उत्तर पश्चिम सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र की वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। जूट के बारे में बात करें, जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैलों, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल और इसमें सहस्पर्शी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में चला गया। भारत आज भारत विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार व असम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। यह देश के कुल सस्य क्षेत्र के 0.5% भाग पर बोया जाता है। अन्य फसलें बात करें, गन्ना, चाय, कॉफी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। जैसे गन्ना है, गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थिति में ही यह केवल आर्द्र एवं उपआर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जाती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिमी भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक से विस्तृत है। दक्षिणी भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की सिंचाई वाले भागों में की जाती है। फिर बात करें हम जैसे कि ये हमारी भारत की गन्ने का विवरण है। गन्ना कहाँ कहाँ पर बोया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले क्षेत्र में मान सकते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के कुछ क्षेत्र में मान सकते हैं, गांधीनगर की साइड, और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक की साइड कुछ एरिया में यहाँ पर मान सकते हैं। यहाँ पर ये एरिया है भारत का, इसमें क्या बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है। तो ये गन्ने का वितरण बताया गया है। तो ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था गन्ने का 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ विश्व का 19% गन्ने का उत्पादन होता है। देश के कुल शल्य क्षेत्र का 2.4% भाग पर इसकी कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश का 40% गन्ना, उत्तर प्रदेश है देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ इनका उत्पादन स्तर अधिक है। उत्तरी भारत में हम देखें गन्ने का उत्पादन स्तर है कम है। चाय के बारे में बात करें, चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती हैं। चाय की पतली में जो पत्तियां हैं उसमें कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज की फसल है। यह उष्ण आर्द्र एवं उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु द्वारा तरंगित भागों पर अच्छे अफवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल के उप हिमालय भागों में जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिम घाट की नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है और विश्व का लगभग 28% चाय का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का श्रीलंका व चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान है। असम के कुल सस्य क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग यानी कि असम असम में होता है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल भी है और तमिलनाडु भी है। फिर बात करें कॉफी। कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भुनकर पीसा जाता है और पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अबेरिका कॉफी का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3.7% कॉफी का उत्पादन होता है। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, मेक्सिको के बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। भारत में कृषि विकास के बारे में हम बात करें, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्ष 2001 में देश की लगभग 53% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि की महत्ता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि देश के 57%
भूभाग पर कृषि की जाती है, जबकि विश्व में कुल कृषि पर केवल 12% भूभाग पर ही कृषि की जाती है। भारत एक ऐसा भूभाग कृषि के अंतर्गत होने के बावजूद यहाँ भूमि पर दबाव अधिक है, जहाँ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात केवल 0.31 हेक्टेयर है, जो विश्व औसत 0.59 प्रति हेक्टेयर प्रति व्यक्ति से लगभग आधा है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक कठिनाइयों के बावजूद कृषि में आशातीत प्रगति की है। विकास की रणनीति के बारे में हम बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीवों का पार्जी अर्थव्यवस्था जैसी थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। यह समय भयंकर अकाल और सूखे का साक्षी है। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान से चली गई और परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना, जिसमें कुछ निम्न उपाय थे, जैसे कि व्यापारिक फसलों की, तो यहाँ पर बात करें व्यापारिक फसलों की, जगह खाद्यान्नों को उगाया जाना, कृषि घनता को बढ़ाना और कृषि योग्य बंजर और पड़ती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। प्रारंभ में इस नीति में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उबरने के लिए गहन कृषि जिला पर कार्यक्रम IADP तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किए गए, परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार दो अकालों ने देश में अन्य संकट उत्पन्न हो गया। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं तथा चावल, यानी कि मैक्सिको तथा फिलीपींस की किस्में, जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी, कृषि के लिए उपलब्ध हुई। भारत में इसका लाभ उठाया और पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्में HYV को अपनाया। नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित थी। कृषि विकास की इस नीति ने खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की। हरित क्रांति के नाम से जानी जाती थी। हरित क्रांति ने कृषि के में प्रयुक्त कृषि निवेश, जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक कृषि, यंत्र आधारित कृषि, कृषि आधारित उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों को विकास को प्रोत्साहन दिया। कृषि विकास की इस नीति ने देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक सीमित थी। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। ऐसा 1970 के दशक के अंत तक चल रहा था। 1980 के आरंभ में इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में फैली। 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया और योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसमें कृषि, पशुपालन और जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर बल दिया गया। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति और उन्मुक्त भारत व्यवस्था का भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया है। ग्रामीण अवसंरचना विकास में कमी, फसलों के समर्थन मूल्य, बीजों, कीटनाशकों पर छूट में कटौती, ग्रामीण ऋण उपलब्धता में गिरावटें और अंतर प्रादेशिक तथा अंतर्वैश्विकता विषमता पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि ये भारत चाय और कॉफी का वितरण हम बताया गया है भारत के अंदर, तो चाय के वितरण हम देख, तो यहाँ पर जैसे कि ये असम वाले क्षेत्र में हम देखें, यहाँ पर चाय का वितरण ज्यादा है। कॉफी के वितरण की बात करें हम, ये वाला क्षेत्र देखें, हम कॉफी का वितरण ज्यादा है दक्षिण भारत की साइड। कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास किस तरीके से हुआ? तो यहाँ पर कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास के बारे में बात करें, बहुत सी फसलें हैं जैसे चावल और गेहूं के उत्पादन और पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई। अन्य फसलें जैसे गन्ना, तिलहन, कपास के उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है।
भारत को दालों तथा जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त था। यह भारत गेहूं, मूंगफली, गन्ना और सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों का उत्तम किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशकों, मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया। 1950-51 से वर्ष 2000 से 2001 तक कृषि सिंचित क्षेत्र यानी 208.5 लाख से बढ़ा करके 546.6 लाख हेक्टेयर हो गया। इन 50 वर्षों में एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र 17.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 204.6 लाख हेक्टेयर हो गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी की प्रसार तीव्रता में वृद्धि हुई। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में 15 गुना वृद्धि हुई। भारत में वर्ष 2001 से 2002 में रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत 91 किलोग्राम थी, जो विश्व की औसत खपत यानी 90 किलोग्राम के समान थी। परंतु पंजाब और हरियाणा के सिंचित भागों में यह कृषि की औसत खपत से 4 गुना अधिक थी, क्योंकि उत्तम बीज की किस्मों में रोटोटिलर एक आधुनिक कृषि उपकरण है। तो यहाँ पर चूंकि उत्तम बीजों की किस्मों में क्या हुआ, उत्तम किस्म की बीजों में कीट प्रतिरोधकता कम है, अतः देश में 1960 के दशक में कीटनाशकों की खपत ने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कीटनाशकों की खपत के अंदर भी भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है। कृषि परिस्थितिकी और विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्या भी विभिन्न प्रकार की है, अतः देश के अधिकतर कृषि समस्या प्रादेशिक है। तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी हैं, जिनमें भौतिक बाधाओं से लेकर के संस्थागत अवरोध शामिल है। इन समस्याओं का विवरण है अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल एक तिहाई भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान व अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम है, अत्यधिक अविश्वसनीय है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी काफी उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा व बाढ़ दोनों सुविध है। वर्षा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ यदा कदा बाढ़ ही आती है। वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में आई आकस्मिक बाढ़ इस परिघटना का उदाहरण है। सूखा और बाढ़ भारतीय कृषि की जुड़वा संकट बने हुए हैं। फिर निम्न उत्पादकता की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों के उत्पादक कम है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे कि चावल, गेहूं, कपास और तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें और तिलहन की खेती की जाती है तथा यहाँ इनकी उत्पादकता बहुत कम है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लगातार बहुत कमी आती है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम एवं न के बराबर है, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से भी जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ है। इन समस्याओं से उभरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं और महाजनों से ऋण लेते हैं और कृषि से कम होती आय व फसलों के खराब होने से वे कर्ज जाल में फंस जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता के कारण क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्या देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पर भूमि सुधारों की कमी हम देखें। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान तीन भू राजस्व प्रणालियां महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी से भी जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों की प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से बात करें हम अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में टालम टोल किया। भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में बाधा रही। छोटे खेत और विखंडित जोत। भारत में सीमांत में छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास एक हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं। लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से कम है।
बढ़ती जनसंख्या के कारण इन ज्योतों का औसत आकार और भी सिकुड़ गया है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूज्योत बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार भी चंदे चकबंदी नहीं हुई है। वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से भूज्योतों का दोबारा यहाँ पर पुनर्गठन विखंडन हो गया है। और विखंडित वे छोटे भूजात आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन वेस्टर्न यूपी शुगर कैन इज लाइज ऑयल शीड्स में लॉस एक्रीज बार टू शुगर कैन पल्स, प्लानिंग कमीशन लैंड्स विदर्भा एंड ईयर बीएडओ में बनेंगे कृषि क्षेत्र, आर्थिक सुधारों को हमसफर बनने की उम्मीद भी सजोए है। तो यहाँ पर हम बात करें वाणिज्यकरण के बारे में। वाणिज्यकरण का अभाव हम देखें, अधिकतर किसान अपनी जरूरत और स्वयं उपयोग हेतु अधिकतर उपांत एवं छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं जो उनकी परिवार अल्प बड़े बड़े है। जो 4 से 8 महीने तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्षा भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं है। अतः कृषि के कार्यरत का लोगों को बस वर्ष भर कार्य करने की आवश्यकता या अवसर प्राप्त नहीं होते। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, कृषि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई। यह समस्या विशेष करके सिंचित क्षेत्रों में व्याप्त है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता, लवणता और मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। अभी तक लवणता और क्षारता से लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि कुप्रभावित हो चुकी है और देश के अन्य 70 लाख हेक्टेयर भूमि जलाक्रांतता हो चुकी है, यानी जलाक्रांतता से प्रभाव खो चुकी है या जलाक्रांतता के कारण उर्वरकता खो चुकी है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परीक्षिका में जहरीली तत्वों का संचरण हो गया है। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप के दलहन यानी कि लेग्यूम विस्थापित हो गए हैं और बहु फसलीकरण में बढ़ोतरी से पड़ती है भूमि में काफी मात्रा में कमी आई है। इसमें भूमि में पुनः उर्वरकता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है, जैसे कि नाइट्रोजन यौगीकरण। उष्ण कटिबंधीय आंध्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में कई प्रकार के कई प्रकार के भूमि निम्नीकरण से प्रभावित हुए हैं, जैसे जल द्वारा मृदा अपरदन, तबायु अपरदन जो प्रमुख मानवकृत काम है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, कौन सा भूभाग सर्व संवर्ग नहीं है, तो ये हम यहाँ पर देखें सीमांत भूमि है। पिछले 40 वर्षों में बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है?
वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है? वन क्षेत्र में लोगों की बेहतर भागीदारी, सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, और वन क्षेत्र प्रबंधन से में लोगों के बढ़ोतरी। इनमें से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? भू निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है यहाँ पर मृदा में लवणता। भारत कृषि से में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो रागी फसल नहीं बोली जाती है। निम्न में से कौन सी फसल गेहूं व चावल की अधिक उत्पादन किस में विकसित की गई है?